हाँ बाबा हाँ, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, गुड बॉय है, अच्छा बेटा है ना, अच्छा बेटा, हाँ बाबा हाँ, अच्छा बच्चा है, स्वीट बच्चा है। फ्रेंड्स दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू गेन ट्रस्ट ऑफ योर बर्ड। आप अपने बर्ड के साथ में इस तरीके से करके उसका ट्रस्ट गेन कर सकते हो। आप उसके साथ में इस तरीके से बॉन्डिंग कर सकते हो। मैं जो बोल रहा था हेड स्क्रैच करना है, अपने बर्ड को टाइम देना है, तो आप इस तरीके से टाइम बिताइए उसके साथ में। मतलब उसको एक प्ले स्टैंड पे छोड़ मत दीजिए। टाइम देने का मतलब ये होता है आप अपने बर्ड के साथ में बॉन्ड क्रिएट करिए। देखिए ये बर्ड बहुत डरता है अभी भी, बट अभी कंफर्टेबल मेरे हाथ पे बैठा है, आप देख सकते हो। अच्छा लग रहा है, देखिए आप कंफर्टेबल फील हो रहा है उसको, अच्छा लग रहा है। अभी भी स्टेप अप नहीं करता है ये बर्ड, मोस्ट प्रोबेबली 4-5 दिन में सीख जाएगा। ये एक सन कॉर्नियर है बाय द वे, आप देखिए तो कितना अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल फील कर रहा है बर्ड। वो काट नहीं रहा है, वो मेरी उंगली के साथ खेल रहा है। ये बता दूंगा काटेगा तो खून निकलेगा मेरे, आप हाथ पे देख सकते हो, एक भी बाइट फोर्स का निशान नहीं आ रहा है अभी तक के, आप देख सकते हो। गुड बॉय, कम ऑन आओ, आजा आजा आजा, कम ऑन कम ऑन, आओ बेटा, गुड बॉय, आजा चलो आओ, शाबाश, आराम से बेटा। देखिए किस तरीके से मैं ट्रस्ट गेन कर रहा हूँ। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे मेरे हिसाब से, ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर आपके घर में 3-4 बर्ड है तो आप एक साथ में ना निकाल के सबको आधे आधे घंटे के लिए निकालेंगे तो एडवाइजेबल है। इस तरीके से अच्छे तरीके से आप एक एक बर्ड के साथ में आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो और उसके साथ में बॉन्ड क्रिएट कर सकते हो। जब आप बर्ड को एक साथ में निकाल देते हो तो बहुत मुश्किल होता है सबको एक साथ हैंडल करने। मैं इतने साल के एक्सपीरियंस होने के बाद भी कभी कभी मुझसे प्रॉब्लम होता है एक साथ में हैंडल करने के लिए। अगर मैं एक एक करके निकालूंगा तो बहुत अच्छे से बॉन्डिंग क्रिएट कर सकता हूँ बर्ड के साथ में। तो मैं बस आपको ये बताना चाहता था कि दिस इज़ वन ऑफ द वे जिस तरीके से मैं अपने बर्ड्स के साथ में टाइम स्पेंड करता हूँ, ऐसा हाथ में लेके प्ले स्टैंड पे लेके। जब एक साथ में हो गए तो सबको प्ले स्टैंड पे छोड़ता हूँ, कभी कभी सिंगल सिंगल करके निकालता हूँ। दिस इज़ माय वे ऑफ डूइंग इट। किसी और का अलग तरीका भी हो सकता है बट ये मेरे लिए अच्छा है और ये मैं भी कम्फर्टेबल फील करता हूँ, मेरा बर्ड भी कम्फर्टेबल फील करता है। और इसने मेरे पे पॉटी कर दिया जो एकदम रोज़ की हमारे को आदत हो गई है। Good boy. Take care of yourself, guys, and have a nice day. Bye.